नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी जो कल एक क्लास जो मिस हुई है उसी पीछे जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो हुई है, आगामी हम निरंतर रहेंगे और आज भी शायद टेक्निकल वजह से ही वो जीके की क्लास आ नहीं पाएगी जो नदियों की थी, और वो आगे संडे को अपन जैसे मंडे तक कोशिश करेंगे। उसके बाद अपन जो आज पढ़ रहे हैं वो सत्रहवीं लोकसभा पढ़ रहे हैं, जो करंट का जो हमारा चैप्टर है वो तैयार है और हम जो पढ़ने के जा रहे हैं वो सत्रहवीं लोकसभा है। सत्रहवीं लोकसभा का जो चुनाव है 2019 में जो हुआ है और वो 7 चरणों में हुआ है। सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव वो 7 चरणों में हुआ है, 11 अप्रैल से लेकर 19 मई 2019 तक, 11 अप्रैल से लेकर 19 मई 2019 तक 7 चरणों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उनमें कुल सीटें 543 पर चुनाव के लिए चुनाव होता है। लोकसभा की सीटों पर 543 पर चुनाव होता है और 2 सीटें हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है अंग्ल भारतीय समुदाय को, इंग्लैंड या उनके माँ या बाप में से कोई विदेशी होना चाहिए। तो वेल्लोर की जो सीट थी तमिलनाडु में, इसका परिणाम था वो करप्शन को लेकर रद्द कर दिया गया था, इसके चुनाव हुए नहीं और 542 सीटों पर ही फिर चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 542 पर ही। अब 6 अगस्त को वेल्लोर का चुनाव 6 अगस्त को होगा 2019 में, 6 अगस्त को उसके चुनाव किए जाएंगे और 11 अगस्त का 5 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसका जो प्रणाली है वो वीवीपैट प्रणाली है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। जो ये प्रणाली कौन सी है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। प्रथम बार लोकसभा में इस वीवीपैट का प्रयोग किया गया है, हालांकि पहली बार लोकसभा का प्रयोग है, ये पहली बार इस वीवीपैट का जो प्रयोग है वो नागालैंड में 2013 में किया गया था। इसी 2019 की 17वीं लोकसभा के चुनाव की जो बात करें तो कुल जो मतदान है वो 90 करोड़ मतदान टोटल हुए हैं, टोटल मतदान है 90 करोड़ मतदान है और पुरुष का जो मतदान है वो 46.8 करोड़ है, यानी कुल मतदान जो 90 करोड़ है उनमें पुरुषों का 46.8 करोड़, महिला का 43.2 करोड़ है और तृतीय लिंग जो मतदान है उनका 38,325 मतदान है, 38,325 मत है वो, और विदेशी मतदाता है वो 71,735 मतदाता है और मतदान केंद्र है टोटल जो 17वीं लोकसभा में थे 10,35,918 टोटल मतदान केंद्र थे और मतगणना 23 मई 2019 को हुई और इसमें राष्ट्रीय दलों की जो पार्टियां हैं 7 राष्ट्रीय दलों की पार्टियों ने भाग लिया, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय दल है वो 8 है, नया जो 8वां नेशनल पार्टी जो बनी है पीपुल्स नेशनल पार्टी 8वां राष्ट्रीय दल है, 7 राष्ट्रीय दल ही 17वीं लोकसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। और 23 मई 2019 को जो रिजल्ट आया जिसका परिणाम ये आपके सामने है, चुनाव परिणाम 2019, इनमें पार्टी है भाजपा है, कांग्रेस है, डीएमके, फिर एनडीए संयुक्त है, यूपीए है और अन्य दल है। मोटे मोटे दलों की अपन बात करेंगे, भाजपा ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने 424 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा को 303 सीटें मिलती है जिनमें से 78 महिला होती है, 303 सीटें लाकर भाजपा ने सर्वाधिक 36.43% मत वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए फोर्ब्स की सूची में ये ब्रिटेन की जो हेरल्ड जो पत्रिका सूची है इसमें मोदी दुनिया के पहले ताकतवर व्यक्ति बने हैं। 36.43% मत लाने वाली बीजेपी पार्टी है और 52 सीटें मिलती है कांग्रेस को, यानी 424 सीटों में चुनाव लड़ती है जिनमें से इसको 52 सीटें मिल पाती है, 19.51% इसको मत मिलता है, इसलिए इसको विपक्षी पार्टी का दर्जा ही नहीं मिल पाता है क्योंकि कुल सीटों की 10% जिसके पास मत हो सीटें हो वही विपक्षी पार्टी है, इसलिए इसको 52 सीट मिलती है, लेकिन इनको टोटल विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 55 सीटों की जरूरत है, इसलिए ये विपक्षी दल पीएम मोदी के सामने या भाजपा के सामने कोई भी विपक्षी दल नहीं है। तो भाजपा को 303 सीटें मिलती हैं और 36.43% मत मिलता है, कांग्रेस को 52 सीटें मिलती हैं, ये 19.51% मत मिलता है, डीएमके तीसरा बड़ा दल मिला है 23 सीटें प्राप्त कर और तीसरा बड़ा दल प्राप्त हुआ है और एनडीए की जो सीटें हैं 352 टोटल सीटें हैं जो कुल मतों का 45% मत हासिल करता है और यूपीए जो सरकार है उसमें 92 सीटें मिली हैं, यानी कुल मतों का 26% मत मिला है और अन्य दल उसको 97 सीटें मिली हैं। नाटो का जो प्रयोग की बात करें नाटो की, तो प्रथम बार प्रयोग 2009 में नाटो का प्रयोग किया गया था, 2019 के चुनाव की यदि बात करें तो सर्वाधिक नाटो 1.04% यदि मत मिलते हैं सर्वाधिक तो वो नाटो को बिहार में ही मत मिलते हैं, शुरुआत इसकी 2013 के चुनाव में बीबी की गई थी। उसके बाद है सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है वो मंडी निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर को चुनाव राजदूत है वो गौरी सावंत है
और उसके बाद थोड़ी सी आंकड़े और है हमारे पास, जैसे सांसद हैं तो सर्वाधिक उम्र दराज सांसद है वो फारूक अब्दुल्ला है, 82 वर्ष का, नेका उसका सांसद क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ता है। सबसे युवा सांसद है ये चंद्रानी मुर्मू है, ये क्योंझर ओडिशा से चुनाव लड़ती है, सबसे कम उम्र की सांसद है ये, तो 25 वर्षीय कुछ माँ की है। और सांसद दूसरी बात है सर्वाधिक मतों से सी आर पाटिल नवसारी गुजरात से इन्हें चुनाव लड़ा है और सर्वाधिक मतों से विजय है। सबसे कम मतों से यदि कोई विजय रहा है तो ये बीपी सरोज है जो जौनपुर मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा है, सबसे कम मतों का उसका अंतर से जीती है। उसके बाद है गरीबी, सबसे गरीब यदि कोई सांसद है ये प्रताप चंद्र सारंगी है, सबसे गरीब, जिसको ओडिशा का मोदी भी कहते हैं। सर्वाधिक मतदान है ये लक्षद्वीप में, सर्वाधिक मतदान हुए हैं 84.96% के साथ, सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप में हुए। उसके बाद कुल मतदान है ये 67.11% कुल मतदान प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मतदाता मतगणना जो एक जो हरदा जिला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसकी संपूर्ण जनगणना महिलाओं के द्वारा की गई, इसलिए ये मतदान केंद्र गए आप, मतदान केंद्र वाला जिला है जहां संपूर्ण जनगणना महिलाओं के द्वारा की गई। उसके बाद थोड़ी सी बात हमारी और है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, उसके पीछे कारण था कि बंगाल का यूथ आइकन जिसको कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसकी प्रतिमा को गिरा दिया गया था, इसलिए अनुच्छेद 324 के तहत यहां चुनाव प्रचार पर रोक लगती है। ऐसे करके हमने ये चुनाव प्रणाली हमने पढ़ा है, और जैसे ही चुनाव प्रणाली 17वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और जितने भी मंत्री हैं उन सब मंत्री की कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का अपना कोई वीडियो आएगा, वो इसी प्रकार मंत्री का नाम, उसके विभाग का नाम और कहां से वो चुनाव लड़ता है, या वो राज्यसभा का है या लोकसभा का है, उनकी विस्तृत चर्चा के साथ अगला अपना वीडियो आएगा, वो केवल और केवल मंत्रिमंडल पर ही आएगा। धन्यवाद दोस्तों।